हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। एनसीईआरटी क्लास सेवंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड हमारा चल रहा था, और इसके साथ ही राजस्थान जीके की जो बुक स्कूल में इस वक्त चल रही है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज से आप जुड़िए। प्लेलिस्ट में जो है वो डाली जा चुकी है, सिक्स क्लास कंप्लीट हो चुकी है, सेवंथ जो है चल रही है, साथ में एनसीईआरटी जो है वह भी हम चला रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपका जो है एसएसटी का कोई भी पार्ट जो है वो ना छूटे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका जो प्रभुत्व था कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो ये देखिए, ये आप मैप में देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, तो जो बाहरी इलाके होते थे तो यहां पर जो है वो सैनिकों की टुकड़ी ये लोग रखते थे और यहां पर नियंत्रण रखते थे, और अंदर का जो भाग होता था यहां पर इनका नियंत्रण नहीं था, तो ये लोग जो है लूटपाट करके जो है वो इन सैनिकों के लिए जो है सामान इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो है वो गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा गया है। इनके रहने के लिए, निवास के लिए जो है वो मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, तो शहर से जो है वो दूर बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जो किलेबंदी की गई वो सैनिकों के रहने के लिए की गई, क्योंकि कोई भी शासक जो होता है तो उसकी मजबूती का कारण जो है वो सैनिक ही होते हैं। जितने ज्यादा सैनिक होंगे उसके पास, वह उतना ही ज्यादा जो है शक्तिशाली होगा। तो किलेबंद जो है शहर जो है वो अब बनने लगे, शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर जो है वो भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। अंदर के जो शहर थे वहां पर इनका जो है ज्यादा प्रभुत्व नहीं था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद इनकी आवश्यकता पड़ती थी, तो इसके लिए क्या करते थे, व्यापार करते थे, टैक्स लेते थे, ठीक है, भीतरी प्रदेश से, और अगर हो सके तो लूटमार जो है वह भी करते थे। तो भीतरी प्रदेशों का अर्थ यहाँ पर बताया गया है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, और गैरिसन शहर का मतलब था किलेबंद वसा, जहां पर कौन रहते थे, सैनिक रहते थे। एग्जाम में ये हाईलाइट इसलिए किया गया कि एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में गैरिसन शहर से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे किलेबंद वसाव रहने की जगह जहां पर सैनिक रहते थे, और इनके सैनिकों के जो है खाना पीना ये सब जो है कहां से करते थे, व्यापार के द्वारा जो है भीतरी इलाकों में जो व्यापार के द्वारा करते थे, टैक्स वसूलते थे, और साथ में लूटपाट ये भी वो करते थे। ठीक है, तो एक एक शब्द जो है वो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। सीटेट जैसे एग्जाम में तो यहाँ से मैंने आपको बताया, लाइन ही उठकर पूछ ली जाती है कि गैरिसन शहर से क्या तात्पर्य है, भीतरी प्रदेश से क्या तात्पर्य था दिल्ली सल्तनत के समय। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से जो सुदूर बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत, युद्ध, यहां तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए था। तो इसका विस्तार जो है होता है दिल्ली के जब सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के आते हैं, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तो इनके महत्वपूर्ण जो ये जो हैं, इनके तीनों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखना है। इससे पहले जो ये सुल्तान थे वो इतने ज्यादा जो है शक्तिशाली नहीं थे। बलबन जो था उसने तो रक्त और लोह की नीति तक अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी इसने अपने चाचा जो है उनकी हत्या कर दी थी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, तो इसने जो है वो दक्षिण तक जो है वो अभियान भी चलाए थे। मोहम्मद तुगलक ये तो जाना जाता है कि सार्वजनिक जो स्थल थे, ठीक है, जितने भी सार्वजनिक स्थल जैसे नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, ठीक है, सिंचाई के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, सिक्के कई तरीके के चलाए इसने, तो इसके समय जो है वो काफी विस्तार होता है दिल्ली सल्तनत में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में, भीतरी सीमाओं का अर्थ मैंने आपको बता दिया, जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए।
दूसरा विस्तार जो है वह सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है वो आपने सुना होगा, ये पहला जो है वो दिल्ली का सुल्तान रहता है जो कि दक्षिण भारत तक जाता है। ठीक है, इसका लक्ष्य जो था वह पूरे जो है वो भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। तो इसने जो सैनिक अभियान चलाए, यहाँ तक कि आपको याद हो कि सैनिकों को जो है सबसे पहले वेतन जो है वह देना भी इसी ने स्टार्ट किया था। और ये अभियान जो है वो मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया और मोहम्मद तुगलक जो है इसने और भी ज्यादा इसको आगे बढ़ाया। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। तो जो भी हाईलाइट जो लाइनें हैं इनको आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में इनको नोट करें। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षा कमजोर थी। स्टार्टिंग में तो ये लोग कमजोर थे, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक जब आया तो उसके शासनकाल में इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर जो है वो कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, तो यहां पर दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है कहां तक जो है वो दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। तो यहां दिल्ली थी, ठीक है, यहां आप देख रहे हैं यहां पर दिल्ली थी। तो इन्होंने जो है यहां तक, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया कि 1299 ईस्वी में जो है इसने गुजरात अभियान किया, ये आपको ध्यान में रखना है। 1303 में जो है यहाँ चित्तौड़ के जो शासक थे रतन सिंह, इनको परास्त करके यहाँ शासन किया। रणथंभौर में हमीर देव चौहान 1301 में किया, ठीक है। 1302 से 1303 तक जो है ये कहाँ पर, वारंगल में, यहाँ काकतीय वंश था, यहाँ पर इसने जो है हमला किया। दक्षिण भारत तक गया ये, ठीक है। उसके बाद मांडू तक गया 1305 ईस्वी में, देवगिरी, ठीक है, और आप देख सकते हैं होयसल, ठीक है, तंजावुर, मदुरै, यहां तक गया, ठीक है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है वह उसको बढ़ाने के लिए जो है इसने दक्षिण भारत में भी सैन्य अभियान किए। किसके बारे में बताया जा रहा है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के बारे में बताया जा रहा है। और इसी का जो इसी को आगे बढ़ाता है मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का सुल्तान। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तानों ने सबसे पहले जो मस्जिद बनाई, ठीक है, ध्यान रखना है, तो वह है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। इतिहास में इस शहर को क्या कहा गया, दिल्ली ए कोहना, इसको पहले दिल्ली ए कोहना कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उस समय जो है ये बनना प्रारंभ हो गई, उसके बाद इसका विस्तार जो है इल्तुतमिश और खिलजी वंश के शासक जो है, खिलजी वंश के सुल्तान कहेंगे हम इनको, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके समय हुआ। मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई, ठीक है। ये मस्जिद है, देखो। अब देखिए मस्जिद जो है इसका अर्थ क्या होता है, मस्जिद तो आप सुनते हैं, अर्थ क्या होता है। यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, सजदा का अर्थ क्या है, घुटने और माथा टेक कर, ठीक है, करते हैं। और आपने देखा होगा सीरियल में, टीवी में देखा होगा किस तरीके से जो है ये सजदा करते हैं, घुटने टेकते हैं और माथा टेकते हैं। जामा मस्जिद जो है या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को क्या कहते हैं, इमाम। तो मुसलमान जैसे हम हिंदुओं में नेता कहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, जो मुस्लिम है इनको इमाम कहते हैं, इसके रूप में चुना जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा सम्मान और विद्वान पुरुष माना जाता है जब नमाज की रस्म हो रही होती है। तो और ये जो है कब होता है, तो दिन है शुक्रवार, शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश यानी कि खुतबा भी देता है। और ये जो नमाज पढ़ते हैं तो ये मक्का की तरफ जो है वो मुंह करके खड़े होकर पढ़ते हैं। भारत में जो है वो मक्का कहाँ है, तो देखिए आप देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ है, तो भारत के जो है देखते हैं पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है,
तो ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए बेगमपुरी मस्जिद के बारे में बताया गया है, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह। तो उस वक्त जो दिल्ली की नई राजधानी थी वह कौन सी थी? जहांपनाह, जो कि विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ये रही बेगमपुरी मस्जिद, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या है, जहांपनाह, जो कि नई राजधानी थी दिल्ली की, ठीक है। तो ये जो है विश्व की शरण स्थल, यानी जो भी मुस्लिम थे वो यहां पर जो है वो आकर रुकते थे, तो ये मुख्य मस्जिद बनी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई, ताकि इनका जो एक ग्रुप बन सके, समुदाय बन सके, और ये एक दूसरे से जो है वो मिले, ठीक है, बातचीत करें और अपने आप को जो सुरक्षित भी महसूस करें। इससे अनेक मुसलमान इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। असमान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, ठीक है। तो कई तरीके की मस्जिदें जो है वो हमने देखी। ये जो मस्जिद है यह है मोट की मस्जिद, ठीक है। अब हमें ये पता रहता है कि मस्जिद जो है वो कौन बनवाएगा, शक्तिशाली जो सुल्तान है, ठीक है, तो सुल्तान ही बनवाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, मोट की मस्जिद जो है किसके द्वारा बनवाई गई? ऑप्शन हो सकते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है सिकंदर लोदी का मंत्री, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। सभी शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन मंत्री जो है इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा और हम गलत कर बैठेंगे। तो मोट की मस्जिद जो है ये बनवाई सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके ही मंत्री के द्वारा। जमाली कमाली की मस्जिद, देखो एक और मस्जिद है, तो क्यों बनवाई गई मस्जिद? तो इसका जो है बिल्कुल डिटेल में यहां समझाया गया है, ताकि मुसलमान और जो इस्लाम है उसके रक्षक होने के दावे को बल मिले, ठीक है। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अलग अलग जो है वो जगहों से आए हुए मुसलमान जो है वो एक जगह आ जाएं। तो जमाली कमाली की मस्जिद है ये, जो कि 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनी। अगला पॉइंट है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था वो किस तरीके से था? तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को, ये क्या करता था इल्तुतमिश, ये खुद एक गुलाम था, तो ये गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करना पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था, और इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, तो ये पैसे देकर जो है इनको खरीदते थे। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से इनको ट्रेंड किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी जो है इन पर विश्वास करते थे, ठीक है। बेटों से बढ़कर गुलाम, तो ये जो है गुलाम जो होते थे इनको अपने बेटों से भी बढ़कर मानते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है, ठीक है। तो इनको प्रशिक्षित ये लोग करते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल, बंदगा यानी गुलाम, इसका इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच तकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग की कई लोगों को जो है वो गहरा धक्का भी लगा कि ऐसे कैसे इन लोगों को जो है इतने ऊंचे राजनीतिक पदों पर ये क्यों बिठा रहे हैं। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की जो है वो काफी आलोचना भी की, ठीक है। तो आश्रित कौन थे? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता हो। तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं जो आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, तो यहां क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए जो हाईलाइट भी हुआ है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार,
जैसा कि हमने देखा कि जो निम्न वर्ग के थे उनको भी इन्होंने उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाया। ठीक है, तो जो मोहम्मद तुगलक जो था ना, जिसके समय दक्षिण अभियान जो है और भी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो इसने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बेचने वाला था, और फिरोज हज्जाज नामक जो है वो नाई था, मनका तब्बाक नामक एक बाबरची था, लट्टा और पीरा ये दोनों माली थे, तो इनको प्रशासनिक पदों पर बैठाया। तो जिनकी जो है वो आलोचना भी काफी हुई। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जो है वो जियाउद्दीन जो बरनी है, इन्होंने नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। तो ये भी सही नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि ये जो सुल्तान है इनको नियुक्त तो कर रहा है, लेकिन अब जो है इसके बाद इसका राजनीतिक विवेक जो है ये नष्ट हो जाएगा, शासन जो है ये भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये एक तरीके का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है वो सुल्तान। ठीक है, तो ये भी जो है आलोचना करते हैं ऐसे सुल्तान की जो कि निम्न वर्ग को उच्च पद पर बिठा रहे हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सैनिक सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। ठीक है, और इन्हें संभालने वाले इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का क्या फर्ज था? कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था जो इसको बनाए रखे, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में। ठीक है, अभी वेतन नहीं मिल रहा था तो वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से क्या करते थे? कर जो है वसूल करते थे। तो करों के रूप में जो है ये अपनी पूर्ति किया करते थे। इसके बाद जो है जो अलाउद्दीन खिलजी है वह जो है क्या करता है? तो सैनिकों का जो है वो वेतन बांध देता है। ठीक है, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका जो है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के जो है वो कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, ठीक है, तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, पहले तो ये बाहरी इलाकों में ही जो है इनका नियंत्रण था, ठीक है, भीतरी इलाकों में तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये आंतरिक इलाकों की तरफ भी बढ़ गए, यहाँ अधिकार इनका होने लगा। तो उन्होंने भूमि के जो स्वामी हैं, सामंत हैं, अमीर जमींदार हैं, उनको भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के राज्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो हाईलाइट नहीं की है मैंने, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल नोट करिएगा कि भू राजस्व का निर्धारण और वसूली, ठीक है, इसके कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। अब जो है जो स्थानीय सामंत जो थे वो टैक्स लेते थे, तो ये अधिकार उनसे छिन गया और बदले में जो है ये खुद जो है इनको कर चुकाने के लिए विवश किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा, तो नाप तौल जो है ये भी होने लगी। अब कुछ पुराने सामंत हैं, जमींदार हैं, राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन प्रकार के कर थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिल्ली सल्तनत के समय जो है कितने प्रकार के कर जो है डिसाइड किए गए? स्टार्टिंग में देखियो, तीन प्रकार के कर, कौन कौन से? एक तो खेती पर लगने वाला कृषि कर, जिसे ये लोग कहते थे खराज, ठीक है, जो कि किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशी यानी जानवरों पर लगने लगा कर। तीसरा जो है वो घर पर लगने लगा। तो कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर, ये तीन प्रकार के कर जो है वो बताए गए हैं दिल्ली सल्तनत में लगाए गए। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं जो है वो अक्षम थी, यानी यहां पर जो है ये नियंत्रण अभी नहीं कर पाए। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता। तो चैप्टर जो है ये काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे सरदार और उनकी किलेबंदी। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को जाना है। वीडियो को आप एक दो बार जो है वो सुनेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह सुनेंगे, तो ये चीजें जो है वो आपके माइंड में छप जाएंगी। तो अभी जो है वो बिल्कुल रीडिंग करते चलिए, उसके बाद जो है वो नोट्स के द्वारा जो है वो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है वो सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।